उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। कल रात एक बार फिर से भेड़िए ने एक परिवार पर हमला कर दिया, जहां आदमपुर भेड़िए के हमले में लड़की घायल हो गई है। घायल लड़की का अस्पताल में इलाज जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दो भेड़ियों को ढूंढने के लिए एक बड़ी टीम लगातार बहराइच के जंगलों में कॉम्बिंग कर रही है। भेड़िया आगे आगे, टीम पीछे पीछे, कई सारे शूटर्स हैं, 18 शार्प शूटर, और गांव के लोग रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि 6 भेड़िए थे जो इलाके में दहशत मचा रहे थे। पिछले 2 महीने से अगर मैं कहूं तो ये दहशत का घटनाक्रम जारी है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए, जिनमें से एक सबसे खूंखार लंगड़ा भेड़िया है, वो अब तक जांच टीम के पास नहीं पहुंचा है या जांच टीम उस तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में दहशत लगातार बनी हुई है और यूं कहिए कि प्रशासन के हाथ खाली हैं। इधर बहराइच में भेड़ियों का आतंक नहीं खत्म हो रहा है। ऐसे में बहराइच के लोग भगवान का ही सहारा ढूंढ रहे हैं। लंगड़ा भेड़िया है, वो अब तक जांच टीम के पास नहीं पहुंचा है या जांच टीम उस तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में दहशत लगातार बनी हुई है और यूं कहिए कि प्रशासन के हाथ खाली हैं। इधर बहराइच में भेड़ियों का आतंक नहीं खत्म हो रहा है। ऐसे में बहराइच के लोग भगवान का ही सहारा ढूंढ रहे हैं।